नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्नेहांकुर देशिंग पर। आज हम देखने वाले हैं हिंदी दिवस पर बहुत ही सुंदर भाषण। आदरणीय प्रधानाचार्य, पूजनीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। 1953 के बाद इस दिन को लगातार हिंदी दिवस के रूप में उत्साह से मनाया जा रहा है। हिंदी विश्व में चौथे स्थान पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सितंबर 1949 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा, किसी विदेशी भाषा से कोई देश महान नहीं बन सकता। देश की उन्नति अपनी भाषा से होती है। विश्व में 80 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषा बोलते और समझते हैं। हिंदी भाषा न सिर्फ भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देती है, बल्कि हम भारतीय के शीतल हृदय में प्रवाहित होती है। हिंदी भाषा देश की धड़कनों से जुड़ी भाषा है। इसीलिए हिंदी भाषा देश का मान ही नहीं, बल्कि अभिमान है। हिंदी हमारा अभिमान, हिंदी हर भारतवासी का स्वाभिमान। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ लोगों की बोलचाल, खानपान, पहनावा में काफी अंतर है, लेकिन सभी भारतीय एक है और हिंदी के प्रति उनका एक अलग लगाव है। यही नहीं, हिंदी भाषा देशभक्ति की भावना को भी जगाती है। मैथिली शरण गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद, देवकीनंदन खत्री, सेठ गोविंददास, काका कालेलकर, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी प्रसाद वर्मा, भारतेंदु हरिचंद्र जैसे अनेक लेखकों ने हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। आज फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन जैसे देश में लोग फीस देकर हिंदी भाषा सीख रहे हैं। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली सरल, सुगम और सुंदर भाषा है। हमें अपने देश को विकसित देशों की सूची में शामिल करने के लिए हिंदी भाषा को अपनाना होगा। यह संभव तभी होगा जब विकास के मंच पर देश का हर एक व्यक्ति भागीदारी करेगा। हर कण में है हिंदी बसी, मेरी माँ की इसमें बोली बसी, मेरा मान है हिंदी, मेरी शान।